पश्चिम बंगाल में हर पंडाल अपनी खूबसूरती बयां करता है, लेकिन इस बार भवानीपुर के 75 पल्ली में थीम रखी गई है आदिवासियों की, जहां पर एक ओर पुरुलिया के आदिवासियों को उन लोगों को बुलाया गया है जो छाव का नृत्य कर रहे हैं, तो वहीं मां को पूरी तरह से एक आदिवासी के स्वरूप में देखा जा सकता है। मां को गामोछा साड़ी पहनाई गई है, यहां पर किसी भी तरह से महिषासुर को नहीं रखा गया है, मां के हाथों में अस्त्रों की जगह सौम्यता रखी गई है और उसके साथ पूरे पंडाल को सजाया गया है पुरुलिया के छाव नृत्य और उसकी झलकियों से। जिस तरह से गांव में पूजा मनाई जाती है, जिस तरह से बंगाल की पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट में जो कि कोलकाता से 300 किलोमीटर दूर है वहां कैसे मनाई जाती है, हमारे साथ है सेक्रेटरी सुबीर दास। क्या क्या ध्यान रखते हैं इस बार पूजा पंडाल में और क्या है इस बार की थीम खास? जी, इस बार की थीम का नाम है मानविक, भवानीपुर एक टुकड़ो पुरुलिया, इसका मतलब पुरुलिया का एक छोटा सा अंश विलेज का। तो पुरुलिया में एक छऊ विलेज है जिसका नाम है चोरीदा, उसी को हम लोगों ने यहाँ पर रेप्लिकेट किया है और छऊ परफॉर्मेंस को भी हमने यहाँ पर लाया है ताकि एक टोटल फील, ओवरऑल फीलिंग दिया जा सके। कोरोना में बहुत लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा है, ऐसे में आपको अब दिखाते हैं कि कैसे पुरुलिया में और पुरुलिया के नृत्य को दिखाया जा रहा है इस पंडाल के जरिए। और इस पंडाल में न कि आपको पूरी खूबसूरती दिखेगी, लेकिन इस खूबसूरती की खासियत यह है कि यहाँ पर पंडाल के साथ साथ लोगों को छाव नृत्य दिखाया जा रहा है। छाव नृत्य दिखाने के लिए लोगों का एक और जहाँ पर एक सड़क के एक और लोग मिलेंगे आपको, तो वहीं दूसरी ओर रामायण और महाभारत की कहानियों को दर्शाया जाता है पूरी तरह से छाव के नृत्य के जरिए। एक और थमसा है, थमसा के साथ साथ उन लोगों को बुलाया जाता है जो पुरुलिया के परफॉर्मर्स हैं। छाव नृत्य के परफॉर्मर्स को यहाँ बुलाकर करीब ऐसे 50 लोगों को न सिर्फ रोजगार देने की कोशिश की गई है बल्कि इस नृत्य को और लाखों लोगों तक पहुँचाने की कोशिश जो कि कोलकाता में रहते हैं, जो कि पंडालों में है और आ रहे हैं इस समय लगातार पंडालों में शिरकत करने के लिए। ऊर्जा जितनी चाहिए होती है इस नृत्य के लिए वो अद्भुत होती है। आपको विश्वास करना मुश्किल होगा कि जहाँ पर एक और धमसा बजाया जा रहा है, धमसा एक ऐसा यंत्र है जो पुरुलिया में ही बजाया जाता है और वहाँ के लोग इसको बजाने में महारत हासिल करते हैं, तो वहीं दूसरी ओर आपको इस समय दिखा रहे हैं कि कैसे दुर्गा की स्तुति की जाती है, जहाँ पर आपको राक्षस भी दिख जाएंगे, राम भी दिख जाएंगे और उसके साथ रावण भी दिख जाएंगे। हर एक कहानी को उसी तरह से दर्शाया जा रहा है। इस मुखौटे के पीछे इन लोगों की अपनी कहानी है, इस मुखौटे के पीछे उनकी वो समस्याएं हैं, उनकी वो समस्याओं का समाधान करने का भवानीपुर 75 पल्ली का प्रयास है। पुरुलिया की तस्वीर कोलकाता के पूजा पंडालों में पेश करना कोई नई बात नहीं है, लेकिन कोरोना के समय इन्हें रोजगार देना किसी चुनौती का समाधान निकालने से कम नहीं है। ये आसान नहीं है इन लोगों के लिए, क्योंकि इन लोगों को कोरोना में जो झेलना पड़ा है वो समझना भी बड़ा मुश्किल होगा, लेकिन वहीं उसके साथ साथ इन लोगों को एक मंच पर पहुंचाकर और इनकी आवाज़ जनता तक पहुंचाकर भवानीपुर 75 पल्ली ने अपने आप में इतिहास रचा है। पुरुलिया के छाव कलाकारों को कोलकाता के मंच पर एक उपस्थिति दर्ज कराने का मौका देना बड़ी बात है, लेकिन उससे बड़ी बात है कोरोना में हर समस्या का समाधान खोजने वाले पूजा पंडालों की यह पहल। भवानीपुर 75 पल्ली ने अपने आप में इतिहास रचा है इन लोगों को कोलकाता बुलाकर, इन्हें रोजगार देकर और ये भी साबित करके कि दुर्गा पूजा में सिर्फ माँ की आराधना नहीं होती है बल्कि उन लोगों की मदद करना भी एक संदेश होता है जिन्हें पिछले कुछ वर्षों में इतनी समस्या का सामना करना पड़ा है। कैमरा पर्सन सूरज पांडे के साथ मनोज लोहिवाल, कोलकाता, एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।